स्वागत है आपका हमारी गवर्नमेंट डॉट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम मानसिक अभिरुचि टॉपिक लेविन लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में बताएंगे। लैंगिक संवेदनशीलता एक ऐसी विचार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज, संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक गतिविधियों के अंदर पुरुष तथा महिलाओं के बीच अंतर को समाप्त किया जा सके। आज जीवन के हर क्षेत्र में लाखों उपस्थिति बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता पर बहस हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों का संरक्षण तभी संभव है जब उनके साथ होने वाली शोषण तथा उनके प्रति लोगों के नज़रिए में बदलाव आए। इसके लिए वैश्विक स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता को महत्व दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में लैंगिक असमानता को समाप्त करने की वकालत की। स्त्रियों पर होने वाले शारीरिक तथा मानसिक अत्याचारों को समाप्त करने तथा उन्हें मानव अधिकार देने को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थल पर होने वाली छेड़छाड़ जैसी घटनाएं असंवेदनशीलता के उदाहरण हैं जिन्हें दूर करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा प्रारंभिक स्तर से ही दिए जाने की वकालत की जा रही है। लैंगिक संवेदनशीलता सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया से जुड़ी है। इसके लिए इसके विस्तार की नीति भी इसी परिप्रेक्ष्य में तैयार की जा रही है। राजनीतिक तथा नीति प्रमाण के स्तर पर महिलाओं को 30% से अधिक भागीदारी प्रदान करने पर बहस लंबे समय से चल रही है। महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम से जोड़ने की कवायद भी चल रही है। जब युवा मस्तिष्क लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर स्पष्ट होगा तो समाज में किसी प्रकार के उत्पीड़न को रोकना आसान हो जाएगा। और कुछ MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है? तो ये है धारा 498 की काम है। किसी व्यक्ति की पत्नी की मौत होने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया और पहली पत्नी से उसका 4 वर्ष पुत्र है, उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये है उसके पिता को। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपराधिक कानून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ उपबंधित है? तो ये है उपरोक्त सभी में। संविधान की उद्देशिका में भी, अनुच्छेद 14, 15, 16 में भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को 30% आरक्षण संसद व विधानसभाओं में देने का विचाराधीन प्रस्ताव संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 84वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्लील पुस्तकों की बिक्री, अश्लील कार्य और गाने आदि को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धारा 292 भी, धारा 293 भी और धारा 294 में, अतः इन सभी में। अगला क्वेश्चन, यदि एक महिला अपने पति से विवाह विच्छेद हो चुका तो क्या वह अपने पति से भरण पोषण धारा 125 के अंतर्गत पा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, यदि उसने दूसरा विवाह न किया हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की रोकथाम के लिए सबसे ठोस उपाय कौन सा है? तो ये है कन्या भ्रूण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास का दंड देना। अगला क्वेश्चन, जेंडर का अंतर किस प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए जीव वैज्ञानिक से। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? तो यह है स्त्रियों के प्रति व्यवहार। लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया? तो ये किया था 1993 में।
लैंगिक संवेदनशीलता को किस स्तर की शिक्षा से जोड़ना जरूरी है? तो यह है प्रारंभिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए? तो यह है मर्यादित तरीका।